दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ी थी कालीबंगा, पूरी कालीबंगा पढ़ी थी। उसके अंदर क्या विशेषता है, कहाँ पर है वो, किस नदी के तट पर है। आज हम उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे। हम बैराट सभ्यता पर अपन ये शॉर्ट लिख रहे हैं आराम से, ताकि नोट्स आराम से बन जाए और ये लंबी चौड़ी भाषा छोड़ कर हम एक सीधा पॉइंट टू पॉइंट हमको मिल जाए, इसीलिए मैं ये लिखा रहा हूँ। आगे हम पढ़ते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जिला है जयपुर। बैराट सभ्यता कहाँ है? जिला जयपुर। जयपुर की स्थापना गई थी 1727 के अंदर जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर स्थापना करी थी जयसिंह द्वितीय ने 1727 के अंदर। ये बैराट सभ्यता है, ये बैराट, इसको पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको बिजक की पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको महादेव की पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको गणेश की पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको भीम की पहाड़ी और भोमली की पहाड़ी, ये सब इसी बैराट पहाड़ी का नाम है। ये जितनी भी पहाड़ियां हैं सब बैराट पहाड़ी के नाम है। विराटनगर पहले इसका नाम था विराटनगर। विराटनगर का वर्तमान नाम क्या है? बैराट। पहले इसका नाम था विराटनगर और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका नाम पड़ गया बैराट। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। आपको पता भी होगा जनपद पहले भारत जनपद दो अंतर बांटा गया था और जिसके अंदर एक मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर। और यहाँ का शासक भी था राजा विराट, जो महाभारत के समय के काल का है, जहां पर पांडवों ने कह शरण ली थी, जहाँ यही विराटनगर है भाई। और बैराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम सहनी ने। कब की? 1936 के अंदर। इसका उत्खनन किया वो भी दयाराम सहनी ने, एक साल बाद 1937 के अंदर। और इसका पुनः उत्खनन किया था 1962-63 के अंदर। उत्खनन करने वाले थे नील रतन बैनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित, ये दो थे। वापस इसका पुनः उत्खनन किया था तब इन्होंने 1962-63। और यह सत्काल में कहते हैं राम सिंह द्वितीय ने इसका वापस खुदाई करवाई थी, राम सिंह द्वितीय ने। और जहां पर एक संदूक में मिली थी, और संदूक में कहते हैं महात्मा बुद्ध का उसके अंदर कुछ अवशेष मिले थे, वो भी हम पढ़ रहे हैं आगे। अब आगे है बैराट। बैराट के बाद में बैराट की और विशेषता है, रियासत काल के अंदर अभी मैंने बताया आपको राम सिंह द्वितीय ने 1876 के इसका उत्खनन कराया, तब एक संदूक पेटी का मिली थी, उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले थे, ये कहा जाता है। और यहाँ पर के 8 बौद्ध मंदिर थे, बहुत पुराने, हम आगे पढ़ेंगे इसको। विकास, इस बैराट सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के तट पर हुआ था, जिसको हम अर्जुन की गंगा ताला नदी भी कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन ने कह रहे हैं इसको तीर मार के बाणगंगा नदी का निर्माण किया। तो वर्तमान में ये जयपुर और ये लुप्त हो जाती है, भरतपुर की सीमा पर लगभग लुप्त हो जाती है। बैराट से अशोक मान का एक बाबरू शिलालेख मिला था, बाबरू शिलालेख अशोक मान का था जो सबसे पुराना था। और इसके ये अब भी वर्तमान में है, ये कलकत्ता के अंदर पड़ा हुआ है। और बाबरू शिलालेख हमें कलिंग युद्ध के बारे में जाने, जो अशोक मान का युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध की राजधानी इस कलिंग एक जगह है, और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और इसी बाबरू शिलालेख से हमें प्राचीन भारत की हमको जानकारी मिलती है। ये था बैराट सभ्यता और यह सत्काल इसका उत्खनन और यहाँ पर क्या क्या मिला था। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं कि बैराट, बैराट से प्राप्त हमें एक गोल मंदिर मिला था, जो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। अगर पूछ ले सबसे गोल मंदिर कृष्ण भगवान का मंदिर था, ये सही कह रहे हैं कि भारत से प्राप्त एक गोल मंदिर था, जो भारत के सबसे प्राचीन मंदिर है। गोल मंदिर बैराट से प्राप्त हुआ था। यहाँ से अशोक मान था उसकी एक आहत पंच मार की मुद्रा मिली थी। अशोक मान था उसकी जो मुद्रण शक्ति होती उसी का नाम है आहत पंच मार की मुद्रा मिली थी, जो कह रहे हैं 7 है, जो इस राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कहा जाता है इसको। बैराट पर मून जाति के मीरकुल और एक मून जाति का था मीरकुल, एक तोरमांड
तोर मांड ने आक्रमण किया था और इसने इस वैराट से को लगभग इसको नष्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ के बौद्ध मंदिर है जो इसने मीरपुर ने इसको ध्वस्त कर दिया था। हंसंग भारत घूमने आया था 634 ईस्वी के। हंसंग तो चीनी यात्री था जिसको राजकुमार शाक्य मुनि राजकुमार भारत का शाक्य मुनि कहा जाता है इसको। और हेमचंद भारत घूमने 634 में इसमें वैराट यात्रा का वर्णन किया था। इसके अंदर जो ये आया भारत घूमने तब ये वैराट गया था और इसने वैराट यात्रा का ही वर्णन किया था। और इसकी पुस्तक है सी यू की, इसी पुस्तक का नाम है सी यू और की, इसकी पुस्तक का नाम है ये सी यू की, सी यू की, इसी का पुस्तक का नाम है जिसमें इसने वैराट यात्रा का वर्णन किया था। इसने वैराट में 8 बौद्ध मंदिर बताए थे और जिसको मीरपुर ने ध्वस्त कर दिया, ऐसा इसने सीयू पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो वैराट के अंदर 8 बौद्ध मंदिर थे और जिसको मीरपुर ने ध्वस्त कर दिया। और ये वैराट सभ्यता है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे लिखेंगे इसका। वैराट सभ्यता में आगे है अपने राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र था ये वैराट। वैराट है जो जयपुर के अंदर है वो राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र था। और वैराट में सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, बर्ड एंड पक्षी रॉक पेंटिंग के हमको शेर चित्र मिले थे। यही एक नोट करके और लिख लो आप, नोट गरधड़ा बूंदी से, गड़दड़ा ना है सभ्यता है वो बूंदी के अंदर, उसमें है उड़ते हुए पक्षी के शहर चित्र मिले थे, उड़ते हुए पक्षी के शहर चित्र मिले थे। ये बात कहीं नोट करके लिख लेना आप कि राजस्थान बैराट है सर्वाधिक रोग बर्ड रॉक पेंटिंग के चित्र मिले और गड़धड़ा बूंदी से उड़ते हुए पक्षी के शहर चित्र हमको मिले थे। अकबर ने बैराट में तांबे की सिक्के ढालने की होती है टकसाल, तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल और एक ईदगाह, तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल और एक ईदगाह का निर्माण हुआ एक अकबर ने बैराट के अंदर कराया था। यहाँ से हमें 36 मुद्राएं मिली थी, एक सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली हमको, सूती कपड़ा था उसके अंदर लपेटी हुई थी 36 मुद्राएं, और जिसमें से 29 तो जो यूनानी शासकों की थी, 29 कहाँ की थी यूनानी शासकों की थी, और जिसमें 7 अशोक मान के मुद्रा थी जिसको हम कहते हैं अहत पंचमान मुद्रा। अभी आगे आप पहले पढ़ा थे आपने अहत पंच मार्ग, आहत पंचमार्ग जो अशोक मान की मुद्रा कहलाती है वो आहत पंचमार्ग मुद्रा है, वो मिली थी 7 और 29 यूनानी शासकों की। बैराट से हमें मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मौर्य काल उत्तर मौर्य काल और मध्यकालीन भारत, मौर्य काल उत्तर मौर्य काल और मध्यकालीन भारत, इन तीनों कालों के हमको तीनों कालों के इतिहास के हमें क्या मिले थे अवशेष, हमने उसके अंदर ही पड़ा था काली बंगा के अंदर ही, हड़प्पा पूर्व हड़प्पा हड़प्पा समकालीन हड़प्पा के बाद में मिले थे। बैराट से हमें मौर्य काल उत्तर मौर्य काल और मध्यकालीन भारत तीनों कालों के क्या मिले थे अवशेष। ये थी हमारी बैराट सभ्यता, लगभग हमने बैराट सभ्यता के जितने टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर दिए। इनमें से आप पुराना पेपर देख लेना कहीं ना कहीं के कौन से कोई सवाल आ रखा है, और ये सीधे सीधे अपन नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहो तो कभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और आराम से अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं ये लाइन वाइज लिखा रहा हूँ इसीलिए क्यों अपन थोड़ी को कोई मतलब नहीं है, अपने अपने सिर्फ जो सवाल आ रहा है उसी को आप पढ़ते हैं। अब ये राजस्थान बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र था, इसको बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं अपन, बैराट राजस्थान बौद्ध धर्म पराधीन था वहां पर, क्यों ये लिख दिया ये लिख दिया दो बार क्यों लिख दिया, अपन सीधा लिखते हैं बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र था बस, इसके अंदर यहाँ भी लिख सकते हैं यहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने
इसको पॉइंट वाइज लिखा, और ये थी हमारी बिराट सभ्यता। आगे हम बढ़ेंगे दूसरी सभ्यता, सभ्यता लगभग 10-12 है हमारे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया है, जो कुछ एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनसे हम वो उसको पूरे लगभग करेंगे। आप भी चैनल को देखना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।